विदिशा जिले के तहसील सिरोंज के ग्राम पंचायत पथरिया में बुधवार को लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में कलेक्टर के आने की सूचना मिलते ही अपने शिकायती आवेदन लेकर अंचलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन लोक कल्याण शिविर में अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि कलेक्टर से मिलने की आस लेकर आए कई लोग कलेक्टर साहब से मिल भी नहीं पाए और उन्हें मजबूरी में अपना शिकायती आवेदन पंजीयन काउंटर पर देकर लौटना पड़ा। बता दें कि इस लोक कल्याण शिविर में अधिकारी और नेताओं की आवभगत में कोई कमी नहीं रही। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी, बड़े बड़े कूलर पंखे की व्यवस्था की गई थी, लेकिन महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान की बात करने वाले भाजपा नेताओं और अधिकारियों के सामने एक नहीं अनेकों हमारी लाडली बहनाएं नीचे फर्श पर बैठी रहीं। नारी सम्मान और बैठक व्यवस्था को लेकर जब स्थानीय विधायक हरि सिंह सप्रे से सवाल किया गया तो विधायक ने मंच से कुर्सी छोड़ दी और सवालों से बचते नजर आए। अब आगे देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे। की बना सकता था इसे। अगर जनसेवा की भावना से आप काम करोगे तो ये समस्या नहीं आएगी। हमारे देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व का डंक का बज रहे वो भारत के एक एक घर एक एक गली एक एक कूचे में अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ किसी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी हर तरीके से प्रयास में किसी योजना से कोई व्यक्ति बने। आप कितने बड़े कार्यक्रम में एक मिनट आप कितने बड़े कार्यक्रम में अधिकारियों के लिए पंखे टेबल कुर्सी सब है, महिलाएं मात्र शक्ति की आप बात करते हैं, महिलाएं नीचे फर्श पे बैठी है, क्या अच्छा है आपके कार्यक्रम में नीचे बैठी है। चलिए आप उठ के मेरे साथ देखिए, नीचे महिलाएं नीचे बैठी है। विधायक जी आपके सामने हाँ बिल्कुल आपके सामने जी देखिए आप आज कुरवाई क्षेत्र के सम्माननीय विधायक हरि सिंह सप्रे जी के विशेष आग्रह पर विधायक जी का आग्रह था कि पथरिया और पथरिया के आसपास पंचायतों को गांवों को लेकर के एक यहां पर एक लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया जाए, तो माननीय विधायक जी के आग्रह पर ही आज ये शिविर आयोजित किया गया है और इस शिविर में सभी प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे अभियान निरंतर चल रहे हैं, तो उद्देश्य ये था कि सभी जनप्रतिनिधि यहाँ के आसपास के रहने वाले निवासी गांवों के लोग वो सब अलग अलग योजनाओं से उनकी जानकारी उनको मिले और यहाँ बैठकर दिन भर जो भी जन समस्याएं हैं उनको हम सुने और जो योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है लोगों को उस पर भी हम लोग काम करें, चाहे लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने हो, आधार कार्ड बनाने हो, नामांतरण बंटवारा, कुछ भी जो राजस्व अभियान अभी चल रहा है वो सब काम हम करें। जैसा भी आप लोगों ने माननीय विधायक जी ने आपको अवगत कराया है, जब सरकार में काम करते हैं व्यवस्था में काम करते हैं तो कुछ गैप्स रहना जरूरी होते हैं, सामान्य तौर पर कुछ कमियाँ होती हैं और उसी के लिए आवश्यक होता है कि आप फील्ड के स्तर पर आए, मैदान के स्तर पर आए, लोगों से रूबरू हो, लोगों से बात करें।